कोरोना वायरस जैसे महासंकट से लड़ने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए जो ये सराहनीय कदम है वाकई तारीफ़ काबिल है। सबसे पहले भारत सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो कि समय पे उन्होंने लॉकडाउन लगाकर तमाम लोगों को मरने से बचा दिया। इस विकट परिस्थिति में सरकार के उठाए गए कदम वाकई सराहनीय है और तमाम जितने भी देशवासी है सब उनको धन्यवाद दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो कि सरकार ने अभी उन लाभुकों को जो इस विकट परिस्थिति में जो अपने घरों में बंद है उन लोगों को 5 केजी चावल फ्री में देने का आश्वासन दिया है। आश्वासन ही नहीं दिया है, लगातार बढ़ भी रहे हैं। बहुत सारे पंचायतों में बहुत सारे जो डीलर लोग हैं वो लोग राशन फ्री वाले राशन उठाकर वितरण भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे बहुत सारे डीलरों की नाराजगी सुनने को मिल रही है। बहुत सारे पीडीएस दुकानदार नाराज है, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार नाराज है। आखिर नाराजगी का कारण क्या है, आइए जानते हैं। हमारे साथ बिहिया से जुड़े हुए हैं पूर्व जिला पार्षद नंद कुमार ओझा जी हैं जो कि डीलर संघ के जिला अध्यक्ष भी है। आइए जानते हैं वो क्या बताना चाहेंगे, आखिर डीलरों की क्या नाराजगी है, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार नाराज है तो क्यों है, आखिर जिला के जो भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं उन लोगों में आक्रोश है, इसका कारण क्या है, आइए जानते हैं। हमारे साथ बने हैं पूर्व जिला पार्षद नंद कुमार ओझा जो कि डीलर संघ के जिला अध्यक्ष भी है। जी नमस्कार जी ओझा जी, क्या स्थिति है आपके यहाँ, जो फ्री वाले राशन है क्या वो वितरण हो रहा है? हाँ वितरण जारी है, राशन सब जगह नहीं, जहाँ उठाव हुआ है वहाँ वितरण हो रहा है। श्री ओझा जी जानना चाहेंगे चूंकि तमाम बहुत सारे भोजपुर जिला के पीडीएस दुकानदारों से जो हमारी बात हुई उन लोगों का कहना है काफी नाराजगी देखने को मिली और नाराजगी का मुख्य कारण जब हमने पता लगाया तो उन लोगों का कहना है कि हर बैग से 3 केजी 5 केजी राशन कम मिल रहा है, कहाँ तक सच्चाई है, आप क्या बताना चाहेंगे? क्या दिक्कत है, ये तो कोई आम बात है नहीं, ये तो पहले से ये परंपरा बना हुआ है। हम जैसे हम जिला अध्यक्ष के नाते पीडीएस के हमने सुधार के लिए कई कई बार जिला मुख्यालय में अनुमंडल मुख्यालय में यहाँ क्षेत्रीय प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सबको बराबर लिखा पढ़ी करते हैं जो हमारे पास साबूत है और सबको हमने पेपर का कटिंग रखे हुए हैं। ये अपना जो रिसीविंग होता है ये हम तो कहते कहते थक गए। आज बताइए जो फ्री वाले, हम कल अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, हमने कल जाकर सूचना अपने स्वयं दिया 2-4 साथी डीलरों के साथ में और लिखित भी दिया और कहा कि हजूर हम आपके आदेश का, सरकार के आदेश का और प्रशासन का दोनों का आदेश का हम मान रहे हैं और हम रेट और वेट एकदम सही पब्लिक के बीच में दे रहे हैं, आप कहीं भी पता कर लीजिए, इनकेस कहीं होता होगा उसका भी मैं जिम्मा लेता हूँ सुधरवाऊँगा, लेकिन हमको लगता है कि हम 95% हम रेट और वेट पर काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस बात के कि प्रशासन द्वारा सुना नहीं जा रहा है, सरकार सुन नहीं रही है। जिले के हर गोदाम पर जी हमको 3 से 5 प्रति बैग जो 50 केजी सरकार का ऊपर मुहर लगा हुआ है कि 50 केजी का पैक है, लेकिन जोखवाले हम लोगों के पीडीएस किसी दुकान में अगर 50 किलो अगर पूछ जाएगा, ये हमारा चैलेंज है कि जितना भी बैग आया है अगर 50 किलो एक भी बैग हमारा पूछ जाएगा तो हम मैंने जो दंड लगाएगा सरकार मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर 50 की जो नहीं पूछता है तो हमारा प्रशासन से गुजारिश होगा कि आप वैसे लोगों को दंडित कीजिए जो जहाँ से कम मिल रहा है। हम कहाँ से 5 किलो देंगे, लेकिन हम देने का काम कर रहे हैं। हमको इतना कोरोना में हम सभी पीडीएस हम लोग मैंने संकल्प हैं कि कोई भी छूटेगा नहीं और नहीं होगा, हम घर से पूर्ति करेंगे। मैंने घर से तो कोई सब नहीं कर सकता है, लेकिन एक बात हुआ, ये हमारा सहानुभूति है, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। जी जी श्री ओझा जी जानना चाहेंगे चूंकि आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, चूंकि पूर्व जिला पार्षद भी रह चुके हैं, उस स्थिति में एक अच्छे जनप्रतिनिधि और एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति के रूप में लोग आपको जानते हैं, आप जनता की समस्याओं के बारे में क्या बताना चाहेंगे, आखिर क्या परेशानी है जनता? जनता के तरफ से तो समस्याएं है, तो अभी जो जितना हमें कार्ड बना हुआ है सरकार द्वारा पब्लिक को वितरित किया गया है उतना ही का आवंटन मिला है। कुछ अभी जो स्थानीय जो हमारे प्रतिनिधि लोग हैं, मुखिया के लोग हैं, वार्ड लोग हैं या नगर पंचायत के सदस्य लोग हैं, वे लोग अलग से अपना फरमान जारी करता है कि नहीं सरकार का आदेश है कि बिना कार्ड वालों को भी देना है, लेकिन ऐसा हम लोगों के पास तो ये दावे के साथ कहता हूँ कि हम लोगों को ये आवंटन उस तरह का नहीं है, जो आवंटन आता है उसी में दोगुना किया गया है, उसमें भी अंत्योदय को 35 किलो हम अनाज देते हैं लेकिन डबल उनका नहीं हुआ जी, प्रति व्यक्ति 5 केजी
अगर 35 किलो अंत्योदय वालों को हमने दिया, अगर दो आदमी सदस्य उसका कार्ड में है तो उसको 5 × 10 हुआ, मात्र 10 किलो ही उसको देना है, डबल 70 किलो नहीं। अच्छा ओझा जी, जहां तक हमें जानकारी है कि दाल वितरण करने की बात चल रही थी, तो क्या स्थिति है, दाल भी वितरण हो रहा है कि सिर्फ चावल ही वितरण हो रहा है? दाल का अनाउंस करके तो ये सरकार दिग्भ्रमित कर दिया है पूरे बिहार राज्य को। ये तो हंसी आता है इस सरकार पर हमको, जो मतलब कि हम लोगों का पार खा रहा है लोग, जनता यहाँ की, दाल भी दीजिए, दाल भी दीजिए, और दाल में कब पानी और नमक पड़ेगा? मुझे उम्मीद नहीं है कि जनता का कभी दाल में नमक और पानी भी पड़ने वाला है, जो स्थिति है अब इनका कब आएगा। आज कोरोना चल रहा है, हम भारी अथी महामारी से लोग जूझ रहे हैं, घर से लोग नहीं निकल रहे, और दाल दीजिएगा लॉकडाउन खत्म होने के बाद? ये सरकार की संस्था है, यही विधि व्यवस्था है। आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे पूर्व जिला पार्षद बिहिया से थे नंद कुमार ओझा जी, जो कि अभी पीडीएस के जिला अध्यक्ष भी हैं, जितने भी पीडीएस दुकानदार हैं उनके जिला अध्यक्ष हैं, तमाम बिलरों के जिला अध्यक्ष हैं, और उन्होंने कहा कि तमाम जितने भी बैग आते हैं सारे बैग में 3 kg 5 kg राशन कम मिलते हैं। तो यदि इस तरह की भयावह स्थिति है तो हम कैसे उन लाभुकों को 5 kg पूरा का पूरा राशन दे पाएंगे? वैसे स्थिति में कहीं ना कहीं सरकार हम लोगों पे दबाव दे रही है, तो सरकार दबाव दे अच्छी बात है, इस विकट परिस्थिति में हम लोगों को जिम्मेदारी बनती है कि तमाम लोगों को वचन से वचन करके तमाम लाभुकों को राशन हम मुहैया कराएं। लेकिन इस विकट परिस्थिति में जब राशन कम आएंगे, हर बैग से 3 kg 5 kg कम राशन आएंगे, तो फिर हम कहां से लोगों की समस्या का समाधान कर पाएंगे, या जो सरकार मुफ्त में राशन वितरण करने की बात कर रही है, हम कहां से दे पाएंगे? तो सरकार को यदि ये सच्चाई है तो इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।